नमस्कार सुप्रभात, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है नए व्लॉग में। तो आज एक मौसम देख सकते आप, हल्की हल्की बूंदाबांदी होनी, रात भर खलेगी छः और अब बूंदाबांदी होनी, समय हो गया आठ बज गई। तो सही महीनों में बोले जाके प्रकृतिक पूरा आनंद लेना छो, मौसम पूरा चेंज हुई आज और आज थोड़ा सी केदार घाट पर निकलना छो, तो आज थोड़ा सी मन विचलित सी होनी छो। दो तीन दिन अगर रहे छो तो बहुत अच्छा लगेगा। इना तरफ दीदी लोग मैंने आपसे मिलाए छो, जो दीदी लोग चाहें तो उन भी मतलब बहुत ज़्यादा उन सपोर्ट कर प्यार दिया आशीर्वाद दिया। तो ये बड़े जाने का मन तो नहीं करूँ, बहुत अच्छी जगह है, आप भी आओ कभी और दर्शन करे जावा। तिरुचुकी नारायण मंदिर का बहुत सुंदर ये जगह और केदार घाटी अपने आप में एक बहुत अच्छी प्रकृति और हर चीज़ मतलब यह बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, वे तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकूँ। तो आज हमारे टूर से जो है तो वह उन्होंने एक बेटे जाना मन काली मठ भी एक मंदिर है, तो वक्त भी आप थे दर्शन करोला और वे एक बात है, फिर होते हुए काली मठ होते हुए हम सीधा अपन नयार घाटी क्षेत्र में फिर वापस आ जाला। तो कभी एक दो दिन गुजर गए हंसते खेलते पता नहीं लगा, सभी दीदी बोली दगड़म छाई और यह क्लाइमेट भी बहुत अच्छा छाया और मंदिर दर्शन भी करें तो बहुत अच्छा लगे। कहाँ लगनो तो आज घर जाना छो, हम तो बहुत अच्छा लगनो छो, हमारी यात्रा बहुत सफल हो गई है ना। तो जाना जो बोलो छे हमारी घर तो जाने बे जाना जो मेरे को नहीं होना वाला जाना जो हम बनाए केरोला आप निकलना चाहे दीदी दिन बहुत सेवाकार है, खाते अगली बार पक्का आएंगे तो चलते हैं, ठीक है। आंटी जी बहुत अच्छा लगा आप बोलेंगे, तो आप सब लोगों तो मिलेगा ना, आप चल रहे छो गाड़ी भी तैयार, तो चल रहे छो आप काली मठा खोनो, तो मुलाकात है आप काली मठन। अभी पहुंच गया हम गुप्त काशी और यह हम एक मंदिर, तो चलो उन्हें चलो। तो बरखा लगी चाहिए ये कारण धीरे धीरे चलना छो और मौसम नज़ारा आप देख सको बहुत ही खूबसूरत। तो इन तरफ से बाबा विश्वनाथ का मंदिर, तो मैं भी पहली बार आना, तो चलो आप थे भी दर्शन करा दींदा। तो ये बहुत ही खूबसूरत और भव्य मंदिर है काशी विश्वनाथ जी का। तो बरखा लगे चे फिर भी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकूँ, तो लेकिन ये कम से कम सर्वप्रथम नंदी महाराज जी और इन तरफ गायक आकर में गौमुख जन कौन टाइप ऑफ चाहिए हम। तो इन तरफ से मंदिर श्री अर्धनारेश्वर मंदिर गुप्त काशी में देख सकते आप, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और इन तरफ से जो मैंने आपसे बताई थे अभी मंदिर बाबा काशी विश्वनाथ जी का पियो, तो डिज़ाइन लगभग वन नीचे जन तिरुचि नारायण में छाई मथे जो गुम्बद उन्दो भी और यहाँ तरफ से गर्भगृह। तो गर्भगृह फोटो तो मैं आपसे दिखा नहीं सकूँ, तो वीडियो मतलब बना नहीं सकूँ, लेकिन आप लोगों तो मैं सुंदर कलाकृति दिखा सकूँ, तो पौराणिक यो अब मोर सिंह आप देख सकते हो कि खूबसूरत डिज़ाइन हो बड़े पिछले को खूबसूरत मंदिर और पूर्व एकदम इन लगनों की पता नहीं कहाँ क्यों और बहुत ही अच्छा और भव्य मंदिर चाहिए। तो ये आते हाथी बोल हाथी के रूप में जो आते ये दिखाओ जल, तो ये होती यमुना जल, तो टेस्ट करेंगे में आते बहुत ही शुद्ध और पावन जल से जी यमुना जी जल से जो आते दिखाने वाले गोमुखमटे तो गंगा जी जल से हर हर गंगे। तो उन तरफ दर्शन तो मैं करा नहीं सकें, लेकिन इन तरफ से अर्धनारेश्वर जी मंदिर तो वो वहाँ दर्शन आप जरूर करा सको, पिछले प्रतिमा दिखाने वेल। तो इन तरफ से अर्धनारेश्वर मंदिर तो ये देख सकते आप दर्शन के लिए आओ। तो अब इजाजत ले लो इन तरफ बटे निकल दो आप गाड़ी में, तो अभी चलो बरखा का मौसम गाड़ी हम कर दे पार्क और बोर्ड दिखा दें मैं आप थे जो जो सिद्धपीठ काली मठ। तो बारिश है दगड़ दगड़, अब हम भी जाना छो काली मठ जाने और एक घंटी देख सकते आप, घंटी घंटी से एक बटे यार पूरा घंटी घंटी लगा आपसे दिखाण रोल में। तो चलो चलता छो बरखा लगी तो ज़्यादा
एक्सप्लोर नहीं कर सको, लेकिन जितना भी वैसाख में तरफ डे जरूर कोशिश करूँ। ये समझा को खूबसूरत मनमोहक नज़ारा इन तरफ डे हम आए छो, और ये एक ब्रिज पोड़ जाने का हल्कों सी छुट्टू सी, और घंटी वगैरह देख सकता पूरा ब्रिज हम चारों तरफ, और मस्त एकदम, और नदी देख सकता आप। तो यह कागन बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मौसम साथ नहीं जाए। अभी काशी विश्वनाथ मंदिर भी दिखाने चलना आपसे पूरी अच्छी तरह, लेकिन बारिश का कारण फोन भी बिगड़ो चे कई दिक्कत आनी चाहिए ना, तो मुश्किलों से चुनौती से लड़ते हुए पहुँचना चाहूँ सीधा दरबार में माता रानी का काली मठ मंदिर में। इना खूबसूरत पुल बटे और नहर घाटी जितने में मिले छे ना बड़गड़ा ही, तो देख सकते आप इना तरफ एक दीदी छे ना वो जो चैनल छे वो की दुकान छे। हां बस नारल सर बहुत ज्यादा चल दिया हम दुकान है देख सकते हैं, तो बात कर रहा हूं तगड़ा जी बाबू दीदी की दुकान जो मैं दिखा आपसे तो योगी छे, और आज दीदी का चित पर दगड़े छे ना हमारे भी दगड़े है दीदी भाई, तो आप अपना नाम दीदी मेरा नाम बिंदा राणा जी, मेरे चैनल को नाम सिद्धपीठ कालीमठ बिंदा राणा, माँ काली का मंदिर का बारह मस्जिद है अभी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल का माध्यम से आप देख ही सकता कि कब पूजा बने कब नवरात्र कब 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 नवरात्रों की जो सीजन कब तक पूर्ण नहीं ना सीजन है बारह महीना बारह महीना कोई दिक्कत नहीं है सीजन बारह महीना रोने और नवरात्र यो चार बार बनन दो बार गुप्त बनन दो बार प्रत्यक्ष बनन, तो आप आजकल गुप्त नवरात्र जी गुप्त नवरात्र नौमी आज नौमी चलो बहुत अच्छा लगे नौमी दिन हम पहुँच गए और आज माँ का महीनों को सोमवार भी जी चलो जरा इन तरफ दीदी और मिलन हो गया जरा दीदी अपना नाम बता दो तो ये हमारे शुरू हो जान कालीमठ सिद्धपीठी हॉल में साफ सुखी हो, तो श्री महाकाली प्रवेश द्वार आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता है योच, और खूबसूरत माघ दरबार छो, तो बरखा भी लगी छे फोन भी बिगड़ो छो, लेकिन माँ के लिए सब बराबर हैं और माँ के शरण में हम आए हैं, तो यो जो खूबसूरत मंदिर। तो मंदिर को ये प्रकार से चार देख सकते हो, सेम वही लगभग लगभग रचना मंदिरों को सेम एक ही डिज़ाइन में, तो आप आशीर्वाद ले सकते हो। बरखा लगी छे ज़्यादा मैं एक्सप्लोर कह नहीं सकूँ आज, कभी फुर्सत से वाला तो दिखो ला थे यहाँ तरफ नंदी महाराज जी, जय भोले शंकर जी, हर हर महादेव। तो खूबसूरत ये मंदिर से देख सकते आप इन तरफ च लक्ष्मी महासरस्वती मंदिर च देख सकते हो आप, भैरव विराजमान सिंह गणेश जी मंदिर महासरस्वती जी का, विद्या की देवी जख भूले जान इना तरफ एक शिवालय च शिवलिंग टाइप में यो च, एक बात गौरी शंकर जी की एक मंदिर च डिज़ाइन सेम छिन मतलब लगभग लगभग। तो आपसे मैं बता दें कि मैं यख पहली बार आना चाहूँ काली मठ मंदिर में, और बहुत अच्छा अच्छा भव्य और खूबसूरत यख मंदिर छिन हमारे उत्तराखंड संस्कृति जीवंत रखना छिन, तो यख हम जुड़ गए मैं दगड़ पंडित जी, तो पंडित जी नमस्कार आपका। नमस्कार जी, सर्वप्रथम आप अपना नाम बता दो। मैं वेद पाठी रमेश चंद्र भट्ट, गाँव आपका सिद्धपीठ कालीमठ। सिद्धपीठ कालीमठ है ना, हम पुजारी लोग ही हैं यहाँ पे। अच्छा आप पुजारी लोग हो ना, और मंदिर समिति से मैं यहाँ पर वेद पाठी भी एम्प्लॉइज हूँ। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि मतलब जो है कि इस मंदिर के बारे में प्राचीन कितना मंदिर है और मान्यताएँ इसकी क्या क्या हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जो कालीमठ का मेन वहाँ पर जो मंदिर है वो एक ध्वजा सी वैसे डंडा सा जो है ना वहाँ पे खड़ा, तो उस चीज़ क्योंकि हमें इस बारे में पता नहीं है तो आप बता सकते हो तो बता दो। ऐसा है कि सिद्धपीठ कालीमठ अपने में एक महातीर्थ जिसको बोलते हैं या महासिद्धपीठ लीजिए, तो यहाँ पर देवानाम कार्य सिद्ध्यर्थम आविर्भव सायदा उत्पन्न लोके सानित्याभिधीयते, यहाँ पर महाकाली भगवती जो जगदम्बा है
यहाँ पर देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए भगवती ने स्वयं यहाँ पर अवतरित हुई और कालांतर में ब्रह्मा विष्णु महेश शुक्रादि 88 ऋषि मुनियों ने इस स्थान में भगवती का आवाहन किया और भगवती की निरंतर उपासना की। तंत्र भगवती देवताओं की उपासना से प्रसन्न होती है और देवताओं को आकाशवाणी होती है कि देवताओं तुम निर्भय रहो, मैं इस स्थान में अवतरित होकर के तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण करूँगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्त निशितम हे देवगणों, जो भी भक्त मेरा इस स्थान में आकर के मेरा स्मरण करेगा, जिस कार्य के निमित्त मेरा स्मरण करेगा, मैं उसके मनोरथ निश्चित रूप से पूर्ण करूँगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो कालांतर में आप जानते हैं कि यहाँ पर जो दैत्याधिपति था रक्तबीज तो उसने तीनों लोगों पर अपना आधिपत्य जमा दिया था और सारे देवता लोग उसके भय से विचरण करने लग गए। विचरण करते करते सारे देवता लोग इस स्थान में पहुँचे और यहाँ पर उन्होंने आध्या जगत जननी भगवती महाकाली की उपासना की। भगवती का यहाँ पर तीनों रूपों में प्रकाट्य होता है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, जो कि त्रिगुणात्मिका जो ईश्वर की शक्तियाँ हैं, जो अधिष्ठात्री है, जो अखिल ब्रह्मांड की नायिका हैं, जो पराशक्ति हैं भगवती, उनका यहाँ पर प्रादुर्भूत होता है। तो अब यहाँ पर पंडित जी का भाव सुनी ना, तो बोना मतलब ये हो चे कि जो रक्त बीज छाई अपन पठान मूवी देख तो पठान मूवी में जो वायरस होंगे रक्त बीज तो उन लोगों को पता वाल तो वे रक्त बीज एक टाइप की एक वायरस पुराण जमाना हमारे जब हम आज से कई हज़ारों सालों पहले रक्त बीज एक देते छाई तो वे एक यख माता रानी ने वध कार छाए माँ काली का रूप में, तो ये वैसे यख माँ काली उत्पन्न हुआ मतलब यख प्रकट भाई और यख ही बस गया। तो तीन माता रानी के जो तीन स्वरूप छे ना, माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती, तो तीनों अंग यख छे ना। और जो आपसे मैंने मंदिर दिखाया था मेन, तो मेन मंदिर छे यख काली माता, तो वे नाम से यख पड़ गया माँ काली मठ। अत्र पटे बच्चे लोग दीदी लोग आए छे कमा, नमस्कार दीदी। नमस्कार। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनी रावत है। तो गड़ो लाए छे जात जी? अच्छा गड़ो ले छो ना, हमर गड़ो आए जान सम। हां जी। अच्छा तो आपका बेटा आ छो? हां मैं अगस्त मुनी बेटे। अगस्त मुनी बेटे, अगस्त मुनी के गांव सेम कोटी। सेम कोटी। और आपका मैं का कक्ष? हमर मैं कक्ष सिलगांव भरधार में। और सर सोरा से? सोरा से अगस्त मुनी कोटी। अगस्त मुनी कोटी है। दर्शन वगैरह हुई गिन? हां दर्शन सब कुछ। तो आप बार बार रंग हो कि कुछ आज स्पेशल चाहे? ना स्पेशल भी नहीं चाह, पर मौक में लगी था हमें कि नहीं दर्शन। अच्छा मौक में ना दर्शन करना है आगे। चलो बढ़िया। तो छोटो बच्चा भी प्यारा प्यारा, आपका नाम? रिशा है। रिशा रिशा पंत है। चलो बढ़िया। आपका नाम? ऋषभ सक्षम। बढ़िया। और एक दीदी और चिन्ह कम दी। नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम जान चोल मी? मेरा नाम श्रीमती गुड्डी देवी। गाँव? कोटी। कोटी। और मैथ? उछोला। किन तरफ पड़ दियो? छोड़ा। अच्छा ना ना जन रुद्रप्रयाग है? रुद्रप्रयाग से उठ गया। रुद्रप्रयाग से मत पड़ दो? ना नहीं ते बस की दार से। अच्छा बस की दार से। तो एक दीदी और कम दी। नमस्कार। नमस्ते। आप लोगों नाम? सुलेखा। श्रीमती सुलेखा भंडारी। श्रीमती सुलेखा भंडारी। गाँव का चापा? कोटी सैम। मैथ? मैथ गुप्त काशी दी हुआ। गुप्त काशी। तो आज है तो मैं दर्शन के लिए। हाँ। चलो बढ़िया। तो हमेशा यहाँ दो कि आज पहले बार आना? ना ना ऑन ऐसे हमेशा। अच्छा आज नज़दीक पड़ दो ना आप। हाँ चलो बढ़िया। तो इन तरफ और भाई बंद भी छेन, तो भैया नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। तो सबसे पहले आपका नाम जान सोल में? सूरवीर सिंह रावत। हक्का बेटे हैं आप? कोटी वर्मा। कोटी बड़मा। अच्छा एक किनात्र पढ़ दो? ये पढ़ दो अगस्त मुनी से थोड़ा इधर जाता है गंगानगर बिटिन में सीधे तिमली वे ताई। अच्छा और सेम बिटिन वे ताई सीधे माती बड़मा।
तो मेरगढ़ आए छे तुम समझ बिल्कुल बिल्कुल એટલે આપ લોગ બોલતે ના હમર સમજ નહી આયે અચ્છા 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 હા ઉંચ ના અક્ષર ઇન ઉંચ પર લેકિન હમ સમજ જમ ચલો બડિયા છે આ દર્શન કરી લેના આપ લોગો બિલકુલ કર લેના હલકી હલકી બારિશ ભી હોણી છે હલકી ના બહોત તગડી બારિશ લાગી છે ઓર ઠણો ભી કાવી છે હોણો એક બસ ચલો આશીર્વાદ લેલ માતા રાની છે હા આશીર્વાદ ચલો બડિયા આપક નામ પ્રદીપ સિંહ બુટોલા प्रदीप सिंह बुटोला बुटोला कर बड़े हैं आप तेंदली कोटी बैठे हैं वेगिंदर सिंह जी सर चलो बढ़िया हाँ तो बच्चे भी हैं छोटी छोटी बुल्ली हमारे बुल्ली नमस्ते के नाम चापक शिवानी शिवानी मम्मी का चापक अच्छा ये चीन मम्मी चलो बढ़िया केरेली माता रानी दर्शन चलो बढ़िया एक छोटी और नमस्ते क्या नाम चापक जोर से बोलो ये शिखा है अच्छा शिखा चलो बढ़िया तो करना पढ़ना चो आप छह माँ आज दर्शन के लिए चलो बढ़िया हाँ तो यह खोड़ी ठंड या आग जो सकर चार बेजी तमना सीनी आग फर्स्ट क्लास है तो सब लोगों को चलो मुस्कान से माता रानी दरबार में और आप एक बार पुनः दिखा देंगे आपसे माता रानी दरबार हमें आप थे एक जो हमारे उत्तराखंड थे संस्कृति से बचाना छीन आज भी बचाना छीन तो एक छोटे से बच्चे जख हम एक स्कूल पढ़ने को मर अभी यख मतलब रोजगार समझो चाहे भक्ति समझो तो इसीनू ढोल सागर वाला जो हमारे संस्कृति जीवंत रखी चा तो अभी बोला छोटो चे छोटो आपका नाम क्या है खुशी कद नाम पढ़ दी छे छः में पढ़ दी तो आज जुट लेगी क्या अच्छा तो बजान छे जरा बजा जरा थोड़े से अच्छा तो कब कब आना रोज ही आना देखा माँ कि स्कूल जान छे कि नहीं जान इस जान बीच को बारी होने लगी बारी होने लगी हाँ। चलो बढ़िया तो गांव क्या चाहे आप अगर काली मटक का जिया का किचो है हाँ। चलो बढ़िया वन कूर है देख हम पिताजी है? पिताजी बैठ दिन पिताजी खत्म हो गया अरे पापा जी नहीं तो कूर है देख हम बैठे ऊँक जगह हम कूर है देख अच्छा तुम ही रन दो तो वे जान गुजारा कितना कितना रुपये भेजने लगभग महीने में कितना है? कितना चार पाँच सौ चलो बढ़िया अच्छे तो माता रानी की सेवा करना छो है ना चलो बहुत अच्छी बात और माता रानी तुम थे आशीर्वाद यार कला कला आप दे या ढोल बजाना कला सीखण से ठीक चा हमारे उत्तराखंड संस्कृति करण जीवांतकरण मतलब जिंदा रखण ना आजकल लोग भूल गए ढोल डमो वगैरह ना डीजे डूजे में नचना छीन तो ढोल में नाचो तो अच्छो लगो ना चलो बढ़िया है तो जब बाय कर दो सपन हतन कारो बाय तो खूबसूरत दीदी लोग दगड़ और खूबसूरत मंदिर प्रांगण में मैं आप वीडियो करूँ छो एंड किले की हमारे सफर या कितक छाई और यही प्राचीन मंदिर में और खूबसूरत माता रानी का दरबार में मैं आप ब्लॉग करूँ छो एंड पूरा उत्तराखंड वासी मिली कन चल रहा तो सब काम सिद्ध हो जाला तो जितना भी जगह में गयों जितना धाम में गयों तो आप ही मीन आप फोन तो कुछ नहीं मांग लेकिन मैं आप लोगों सुख परिवार सुख शांति और मनोकामना मांग और जान जान भी मैं दुआ करूँ छो कि माता रानी और बाबा केदारनाथ आप लोगों को मनोकामना जरूर पूरी कर मेर वानी वाह लेकिन आप लोगों को जरूर उचणी तो यख मैं कर दूँ ये आशीर्वाद अगर कर दूँ ब्लॉग एंड तो मिल दो आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक जय हिंद जय भारत जय उत्तर।